तो स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो में। तो भाई एक गुड न्यूज़ तुम्हारे लिए लेके आ चुका हूँ मैं। तो वीडियो को भाई शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं भाई BGMI या फिर पबजी मोबाइल में आने वाले अपकमिंग ग्राफिक सेटिंग्स के बारे में, जो भाई तुम्हारे डिवाइस के अंदर जो लैग वगैरह होता है और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ग्राफिक्स रिलेटेड, जो भी प्रॉब्लम तुम्हें देखने को मिलती है वो सारी जो है आने वाले अपडेट के अंदर जो है फिक्स होने वाली है। तो किस तरह की ग्राफिक सेटिंग्स वगैरह है वो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ, क्योंकि पहले जो ग्राफिक सेटिंग्स है 3.5 तक जो आई है वो भाई तुम्हें कुछ इस तरह से दिखाई दे रही होगी, स्मूथ एक्सट्रीम HDR ऐसे करके कि वैसे फ्रेम रेट तुम अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। लेकिन भाई 3.6 अपडेट के अंदर एक हमें नई ग्राफिक सेटिंग देखने को मिली है। ग्राफिक वाला जो इंटरफेस है उन्होंने पूरी तरह से भाई चेंजेस कर दिया है, फिलहाल के लिए अभी बीटा के अंदर है। और साथ में बात कर लेते हैं 3.6 अपडेट के अंदर अभी फिलहाल के लिए क्या क्या आया है, और वैसे मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाओ, रिव्यू करूँ कि क्या सारी चीजें हैं। अगर तुम चाहते हो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ तो मुझे भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। इस वाले अपडेट के अंदर वही ऑटो ड्राइव वाला फीचर भी आ चुका है। इस वाले अपडेट के अंदर जब तुम मैच स्टार्ट करोगे तो तुम्हें चार पावर देखने को मिलेगी, नेचर की पावर, फायर की पावर, उड़ने वाली पावर, बर्फ की पावर, तो इस तरह की कुछ पावर वगैरह है। और साथ में बात करेंगे इसके अंदर एक इवेंट भी आया जो कि भाई है तुम्हारा स्टेल बार में, तो वहां जाके एक तुम्हें लोकेशन देखने को मिलेगी जहां पे तुम कूद के भाई फाइट वगैरह ले सकते हो, काफी सारी चीजें वहां। तो वहां के अगर स्ट्रक्चर वगैरह की बात करें तो यार वो टेंपल टाइप के कुछ स्ट्रक्चर बने हुए, मैं सोच रहा हूं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मुझे भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अभी जो तुम सामने स्क्रीन पे देख रहे हो वो है भाई ग्लोबल बीटा पबजी मोबाइल का, तुम भी यार इसको इजीली डाउनलोड करके खेल सकते हो अगर तुम पहले खेलना चाहते हो। अगर हम जाते हैं सेटिंग्स वाले ऑप्शन में, देखो यहां पे सेटिंग्स वाले अगर तुम ऑप्शन में जाओगे तो यहां पे सब कुछ तुम्हें नॉर्मल लगेगा, लेकिन अगर तुम भाई ग्राफिक सेटिंग्स में जाओगे ना, लेकिन ये कस्टमाइजेशन वाला तुम्हें नहीं दिखाई देता होगा, यहां पे तुम्हें HD स्मूथ वगैरह दिखाई देता होगा। तो भाई पहले जो ऑप्शन होते थे स्मूथ एक्सट्रीम HDR वो सब हटा के भाई अब इन्होंने यहाँ पे भाई चार ऑप्शन डाल दिए, बेटर ग्राफिक, बैलेंस, बेटर फ्रेम रेट और भाई कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन में तुम्हें वो पहले वाला देखने को मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पे बेस्ट 22 में जाते हैं तो यहाँ पे भाई HDR से रिलेटेड कुछ है कि भाई अगर तुम इसको अल्ट्रा HDR पे करोगे तो तुम्हारी परफॉर्मेंस वगैरह पे है वो फर्क पड़ेगा, और यहाँ पे बेस्ट 22 ये भी है। तो दोनों भाई सेम ही है, दोनों भाई सेम ही है, मुझे लग रहा है कि अभी बीटा में तो आने वाले अपडेट में ये काफ़ी ज़्यादा इन्हांस वगैरह होने वाले हैं। तो अगर तुम बेटर ग्राफिक पे करोगे तो यहाँ पे तुम्हें दिखाई देगा कि भाई कॉम्पैक्ट में जाओगे तो तुम्हें ग्राफिक HD दिखाई देंगे, नीचे तुम्हें दिखाई देगा भाई फ्रेम रेट तुम्हें एक्सट्रीम पे दिखाई देंगे, और भाई लॉबी में तुम्हें ग्राफिक HD और फ्रेम रेट भाई हाई पे दिखाई देंगे। और अगर तुम बैलेंस पे जाओगे ना, अगर मान लो यहाँ पे बैलेंस में मैं क्लिक करता हूँ तो बैलेंस पे दिखा रहा है ये ग्राफिक बैलेंस दिखाई देंगे, फ्रेम रेट तुम्हें भाई एक्सट्रीम दिखाई देंगे, और यहाँ पे अगर बात करोगे लॉबी की तो भाई ग्राफिक तुम्हें बैलेंस दिखाई देंगे और भाई फ्रेम रेट तुम्हें हाई दिखाई देंगे। तो मतलब इन्होंने भाई सारी चीज़ें एक ही जगह पे भाई कंबाइन कर दी है, और बेटर फ्रेम रेट पे अगर तुम जाओगे तो भाई ग्राफिक स्मूथ दिखेंगे और भाई फ्रेम रेट तुम्हें एक्सट्रीम देखने को मिलेंगे, और उसके बाद भाई ग्राफिक तुम्हें HD देखने को मिलेंगे लॉबी में, लेकिन भाई फ्रेम रेट तुम्हें हाई देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो एक और ऑप्शन है, यहाँ पे है स्मार्ट एडजस्ट और नीचे है भाई मैनुअल एडजस्टमेंट। तो भाई फ्रेम रेट मेरे स्मार्ट 120 FPS हो रखे हैं, लेकिन अगर तुम भाई मैनुअल करोगे तो ये फिलहाल के लिए अभी गायब हो जाएगा, क्योंकि भाई अभी ये बीटा में है, अभी भाई टेस्टिंग में है, तो यहाँ पे तुम्हें एक अलग से ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, तो तुम भाई अपने हिसाब से अपने फ्रेम रेट वगैरह सेट कर सकते हो। चौथे ऑप्शन की बात करें तो वो है भाई ग्राफिक कस्टमाइजेशन। तो ग्राफिक कस्टमाइजेशन के अंदर भी भाई देखो कॉम्बैट के अंदर तुम्हें कौन से ग्राफिक चाहिए, HDR और फ्रेम रेट क्या चाहिए, लॉबी के अंदर तुम्हें क्या चाहिए, होम के अंदर तुम्हें क्या चाहिए, और भाई एफिशिएंसी जो है वो तुम्हें किस तरह की चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने ये कस्टमाइजेशन वाला ऑप्शन के अंदर पहले वाले सारे ग्राफिक भाई कंबाइन कर दिए हैं। तो भाई ये वाले ऑप्शन आने का बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि जो भी तुम्हारे फ़ोन की स्पेसिफिकेशन होगी उसके हिसाब से ये भाई ऑटोमेटिकली ग्राफिक को एडजस्ट कर लेगा। अब तुम्हें भाई फ्रेम रेट वगैरह ये सेट करने की जरूरत नहीं है, अब सिंपल सा है कि अगर तुम्हें बेटर ग्राफिक चाहिए तो तुम भाई बेटर ग्राफिक पे कर सकते हो, ये उसके हिसाब से भाई एडजस्ट कर देगा। और यहाँ पे तुम भाई बेस्ट 22 है ना, ये भाई इमेज क्वालिटी वगैरह को कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो अगर तुम्हें भाई बैलेंस में खेलना है, ना ही बहुत ज़्यादा ग्राफिक चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा भाई फ्रेम रेट वगैरह चाहिए, तो तुम भाई इसको सेलेक्ट कर सकते हो, ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर देगा तुम्हारे फ़ोन के हिसाब से। अब बात करें बेटर फ्रेम रेट की, तो बेटर फ्रेम रेट का भाई लो एंड डिवाइस के लिए और हाई एंड डिवाइस के लिए भी है, जिनको भाई ज़्यादा फ्रेम रेट पर खेलना पसंद है। तो यहाँ पर तुम्हारे फ़ोन के हिसाब से वो सारी चीज़ें भाई एडजस्ट कर देगा। कस्टमाइजेशन में वही है कि भाई तुम्हें अपने हिसाब से सारी चीज़ें सेट करनी है। तो भाई ये वाला ऑप्शन आने का काफ़ी ज़्यादा अच्छा फायदा होने वाला है उन डिवाइस के अंदर जिनको भाई यही नहीं पता है किस तरह से हम ग्राफिक वगैरह अपने डिवाइस के अंदर सेट करें, कौन सी ग्राफिक सेटिंग हमारे डिवाइस के लिए अच्छी होने वाली है। और ये वाला मुझे पूरी उम्मीद है कि ये BGMI के अंदर आएगा, क्योंकि BGMI के अंदर ये ग्राफिक वाली जो लैग वगैरह की प्रॉब्लम है ना, मे भी शायद ये जो सेटिंग आएगी भाई उसको ये ठीक कर सकती है। तो होप करता हूँ मैं कि यार BGMI के अंदर भी आए, लेकिन भाई ये चीज़ जो इनको काफ़ी टाइम पहले कर देनी चाहिए थी गेम के अंदर, अब ये गेम के अंदर लेके आ रहे हैं। और तुमको याद होगा कि मैंने तुम्हें बोला था कि भाई 3.5 अपडेट 3.6 अपडेट जो आने वाले वो भाई बहुत हैवी अपडेट आने वाले गेम के अंदर, और आने वाले टाइम में भाई ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम रहेगी। तो मुझे लगता है कि पबजी मोबाइल का ये काफ़ी अच्छा स्टेप है कि इन्होंने ग्राफिक में काफ़ी सारे चेंजेस इसके अंदर कर दिए हैं, जिसकी वजह से भाई तुम्हें
में अब जो प्रॉब्लम फ्यूचर में आने वाली है रिलेटेड ग्राफिक या फिर लैग इशू वगैरह से रिलेटेड, तो मुझे लग रहा है कि वो इस ऑप्शन की वजह से काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी, क्योंकि अब इन्होंने एक बोलो तो ऑटोमेटिक ही कुछ डाल दिया है कि तुम अपने हिसाब से सारी चीज़ें सेट कर सकते हो। वॉर जोन के अंदर भी यही है, कस्टमाइजेशन है और बेटर ग्राफिक चाहिए तुम्हें, भाई कैसा तुम्हें ग्राफिक वगैरह चाहिए, वहाँ भी ऑप्शन है। सिंपल सा ऑप्शन नहीं है कि तुम अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लो सारी चीज़ें, क्योंकि कई बार होता है कि तुम्हारे डिवाइस पे भाई स्मूथ से ऊपर सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन शो जरूर करता है कि भाई HDR तुमको करना है कि नहीं करना है, तो ये वाला ऑप्शन अब सही रहेगा। तो जौन सी सेटिंग तुम्हारे डिवाइस के अंदर चलने वाली है वही सेटिंग तुम भाई यहाँ पे कर सकते हो। तो आई होप सो तुमको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ग्राफिक्स से रिलेटेड ये एक बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, तो वीडियो अच्छी लगी तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।